आ, वही से शूटिंग चालू हुआ था। ऐसा। में में। लगभग जो जो थे ना। बोले तो छत्तीसगढ़ के जो, के आज समय में, थी, थी, वो यहाँ आते थे हा हा हा। और उस समय हम मनाते थे बढ़िया दिवाली की जो त्योहार है उसमें सहयोग करते थे और हिस्सा भी लेते थे बढ़िया उस समय उनको अच्छा लगता था तो उस समय वो स्वप्निष्टा थे कि एक यहाँ शूटिंग का माहौल बन सकता है बढ़िया ऐसा तो ये वही घर है जहाँ कई फिल्मों की छत्तीसगढ़ी कई फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है कैसे यही बोलू भैया ये ये भी बोलना ठीक है और यहाँ हो चुका है प्लस ये गाँव जो ऐसा है देव बोलो हमारा गाँव जो है वो शूटिंग में इतना कॉपरेट करते हैं इतना कॉपरेट करते हैं कि लोगों को लगता नहीं कि हम शूटिंग करने आया है हाँ यहाँ के लोग भी वैसी हैं गांव की भी बात कर रहा हूँ घर की भी बात कर रहा हूँ यहाँ सब चीज मतलब हर कोई सहयोग करते हैं बढ़िया सा तभी यहाँ आज के डेट में थोड़ा सा है कि देव एक गांव है जो शूटिंग हब बन चुका है आज के समय में नहीं। और छत्तीसगढ़ी की फिल्मों के अलावा यहाँ भोजपुरी फिल्मों का भी एक दो शूटिंग हो चुका है भोजपुरी फिल्में भी हैं पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये देव बलौदा जहाँ मैं आया हूँ यहाँ हमारी एक सहयोगी है उसका गांव है पहले बता ही नहीं थी हमें कि इनका गांव है खुशबू ये आपका गांव है हाँ मेरा नाना नानी का घर है यही ऐसा तो मैं तो बचपन से यही रही हूँ सर कैसे आपको कितने बार बताई हूँ सर मैं देवलौदा में रहती हूँ सर मैं देवलौदा में रहती हूँ तो कल से तलाश कर रहे थे यहाँ कॉन्टेक्ट नंबर का लेकिन आप पास में हमारे सामान है और आप बाजार में ढूंढ रहे हो ऐसा वाला बात है कल से इस गांव के कांटेक्ट नंबर तलाश कर रहे थे लेकिन नहीं मिल पा रहा था आज खुजू बताती है कि मेरा गांव है मैं यहां आई हुई हूं <laughs> तो इसके बारे में बताओ कि घर में कब से शूटिंग हो रही है दादी लोगों से आप बात करोगी ठीक हाँ, है हम बात कर लेंगे चलो फिर दादी लोगों से बात करते हैं यहाँ पे दादी लोग हैं उनसे बात करेंगे और जानेंगे कब से फिल्मों की शूटिंग हो रही है दादी स्वागत है थैंक यू सब सब बढ़िया बढ़िया एकदम मस्त दादी कैसे हो

सब लैका मन के दोस्त है अब बचपन से आते यहाँ बचपन से मतलब खेले कूदे बार, बार। दीपावली के समय आके वो राउत मन संग डांस वांस करे नाचे कूद सब करे हाँ जब हीरो नहीं बने रही तब से तो नानी लो पहले अनु शर्मा के कहानी ना तो हमारे बारे में था थोड़ा हाँ अब बच्चा मन संग आए ना वह पहले मान्ढ साइड रहा वहाँ से आवाय तो लड़का मन संग वह खेल कूदे नाचे हमेशा मोराचार बनाओ तो बड़ाई करे चाची आपके अचार बहुत अच्छा लगते आपके सब्जी ऐसे करके मतलब ये करे यहाँ हाँ हाँ तो जब वो अपन नान नू के देखे हो बोला वो और जब वो फिल्म में यहाँ शूटिंग बनावे तब कैसे लगे एकदम देख के बहुत ज्यादा खुशी हुई कि वो बोला भी चाची तुम्हारा मोला एक दिन खोजू जब मैं कुछ हो जाऊँ ना तो तुम कतको ढूंढ में नहीं मिला तुम बाद में मिलूँ जब कुछ हो जाऊँ तो ऐसे करके सर मले जुड़े कुछ कहानी बताओ एकदम अच्छा जो आप एकदम अच्छा लगे थे वो बात ला याद कर करके आप वो लड़का ना बहुत ज्यादा मतलब ये करे है तब मतलब यहाँ तक पहुँचे है पहली पेपर वगैरह ये है, करे है नम्मी ओकर, ओकर रहा है ओकर मम्मी, मतलब दो बेटा और ये अब हमारे रोहनीपुरम में भी रहन तो साथ में रहा है वो मन हाँ। अच्छा बता हाँ। ओ हाँ यहाँ शूटिंग करे हते का कन अब आप मन के घर में ही शूटिंग होते हाँ। तो आप मन एक शूटिंग में आब हाँ अब करण खान के मतलब में मम्मी बैठ के रोल करे हाँ और मोर सास <laughs> दादी माँ के रोल करे रही से मोर देरानी हाँ मतलब चाची का रोल अच्छा करे तो फिल्म हरे धन गाना हरे गाना है का तोला दाई का तोला मानव दाई अच्छा

कैसे लगते जब घर में अत्य कम फिल्म शूटिंग होते रोज रोज इतना सुंदर लगत हुई हाँ अच्छा लगते अब कौन कौन हीरो हीरोइन बनाए है अभी यहाँ छत्तीसगढ़ के अब ही मोना सेन ले जाना थो न पुष्पा का का नाम है शर्मा हाँ पुष्पा अनुष्का बचपन ले आवे तो आप मन से कैसे लगे बहुत अच्छा लगे हाँ अच्छा। सब छोटे पन से खुण, आए। बहुत बहुत हो, बहुत सवाल नहीं। हो गया, प्रयास करूंगा कि घर कैसा है आपको फ्रेम में दिख रहा होगा घर की सुंदरता मैं बया नहीं कर पाऊंगा कि घर कितना सुंदर दिख रहा है ऐसा लग रहा है कि गाँव जो होता है ना वो गाँव इस घर को देखने से प्रतीत हो जाएगा और हमारे साथ दादाजी हैं वो बताएंगे कि कौन कौन से जो सुपरस्टार हैं इस घर में शूटिंग किए हैं और कौन कौन सी मूवी है जो इसकी शूटिंग यहाँ हुई है दादा कौन कौन से सुपरस्टार हैं हैं जो शूटिंग किए अनुज शर्मा है हाँ। और पुष्पेंद्र सिंह है हाँ। करन खान और मोना सेन भी आई थी और एक वही जो अभी नाम लिए खान क्या है ये दादा मैं आपसे सवाल करूंगा घर की सुंदरता ऐसा लग रहा है मतलब कितना समय हो गया अब बने काफी सुंदर लग रहा है आपका सैतीस तो अस्सी साल पुराना साल साल पुराना और तो ये तो अभी भी नया लग रहा है मतलब जो लकड़ी है लगा हुआ वो तो नया लग रहा है आ, क्या राज है तो सब सागोन की लकड़ी है सागोन का लकड़ी है तो पॉलिश वॉलिश होता है मतलब पोताई है पॉलिश वगैरह कर देते हैं मतलब लकड़ी पॉलिश जो आता है ऐसा वार्निश

साइड से आना जाना है क्या है साइड से निकल जाते हैं हम लोग ऐसा एक अलग उत्साह रहता है अलग उमंग रहता है तो एक घर को मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि जब इस घर में फिल्म स्टार लोग जब शूटिंग के लिए आते हैं तो एक इन घर के लोगों में अलग उत्साह रहता है अलग उमंग रहता है कि हमारे यहाँ फिल्म की शूटिंग चल रही है और यही कारण है कि ये घर में जो फिल्म स्टार हैं छत्तीसगढ़ी कलाकार हैं वो फिल्म की शूटिंग कर पाते हैं हमारे साथ दाऊ जी हैं दाऊ जी से बात करेंगे दाऊ जी स्वागत है आपका धन्यवाद दाऊ जी इस घर में काफी पहले से फिल्म की शूटिंग हो रही है कई फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है कई फिल्म की शूटिंग होने वाली है क्या कारण है कि निर्देशक इसी घर को चुनते हैं अब ये क्या है पुराने जमाने का घर है और आज गांव में सब अपने पुराने घर को तोड़ तोड़ के बना लिए हैं पक्का बना लिए हैं आर वाला और ये जो पुराना घर अभी भी वैसे ही है तो इसलिए अब पुराने घर गाँव में मिलता नहीं तो इसलिए उनको शूटिंग शूटिंग करने के लिए बहुत अच्छा लगता होगा यानी पुराने मकान की नक्शा है पुराने मकान का डिज़ाइन वगैरह जो है तो वो एक देखते हैं जैसे लाल किला को लोग बाग देखने के लिए जाते हैं ना वैसे इनको भी फिल्मी दुनिया वाले लोग पसंद करते हैं कि यानी पुराने जमाने में घर कैसे बनते थे तो एक अजूबा तो है दाऊ जी गजब बात बोले हैं कि लाल किला को जैसे लोग देखने जाते थे मतलब मान लिया जाए कि लाल किला से कोई कम नहीं है कम नहीं है यानी आज के युग में अभी जो फिल्मी दुनिया वाला आप लोगों का जो जनरेशन है उसके लिए लाल किला से कम नहीं है ये हाँ हाँ हा। क्योंकि ऐसे मकान कहाँ दिखते हैं शहर में शहर में तो दिखते ही नहीं तो इन लोगों को अजूबा लगता ही है जी, मैं एक सवाल करूंगा आपसे गांव का नाम देव बलौदा है क्या कारण है कि इस गांव का नाम देव बलौदा रखा गया यहां पे क्या है ऐतिहासिक का मंदिर है और हम लोग को भी मालूम नहीं अब हिस्टोरिकल वाले लोग बताते हैं कि ग्यारहवीं बारहवीं सदी का है तेरहवीं सदी का और यहाँ पे दंतेश्वरी का मंदिर है जो हमारे चाचा जी ने उसको बनवाया है और वो मंदिर बहुत प्राचीन है उसके बारे में भी हम लोग नहीं जानते और आज भी हमारे चाचा जी उसको बनवाने में वो चांदी का सिक्का भी, भी लगा हुआ है मंदिर के फ्लोर में हाँ हाँ। आज भी लगा हुआ है हाँ। हाँ हाँ। अभी आप जाके देख सकते हैं हाँ तो ये भी प्राचीन मंदिर है और उनसे हम लोग को आशीर्वाद मिलता है हमारे परिवार को ऐसा इसी कारण से देव बलौदा नाम रखा गया। बिल्कुल लगता है इसी नाम से इसी कारण से देव बलौदा का नाम रखा होगा क्योंकि देव नगरी भी बोलते हैं इसको देव नगरी देरी हाँ 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 हाँ। इस गांव में इस घर में तो फिल्म की शूटिंग होती है पूरे गांव भर में फिल्म की शूटिंग होती है नहीं इसी घर में ज्यादा होती है ऐसा। और कभी कभार कभी थोड़े बहुत सीन ले लेते हैं हाँ हाँ। बाकी इस घर के ही अंदर होती ज्यादा तो ये वो घर है देव गांव का जहां कई फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है छत्तीसगढ़ी फिल्मों की शूटिंग हुई है और इस घर को मैं दिखाने का प्रयास किया कि ये कई साल पुराना घर है जब दादा से दाऊ जी से बात हुई तो दाऊ जी ने बताया कि जैसे लोगों के लिए लाल किला है वैसे ही हमारे जनरेशन युवा पीढ़ी के लिए ये घर कोई लाल किला से कम नहीं है क्योंकि ऐसे घर बहुत कम देखने को मिलते हैं ये घर जो है पचासी साल पुराना है लेकिन आज भी इसकी सुंदरता पूरी बरकरार है